भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के पहले ही दिन सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय गेंदबाजों के आगे भले ही अंग्रेज बल्लेबाज धराशायी हो गए हों, लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने 29 रनों की अपनी छोटी सी पारी में ही द ग्रेट सचिन का एक कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया। जो रूट ने अपनी पारी का जैसे ही 10वां रन बनाया, वे भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले ये उपलब्धि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज थी। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के ही नाम थे, जिन्होंने कुल 2535 रन ठोके थे। और ये टेस्ट शुरू होने से पहले जो रूट 2526 रन बना करके दूसरे पायदान पर थे, लेकिन अब जो रूट ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। जो रूट ने अक्षर पटेल की बॉल पर चौका मारते हुए सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। अब जो रूट के नाम भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन हो चुके हैं। जो रूट ने तोड़े दो बड़े रिकॉर्ड। आपको बता दें कि जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। हैदराबाद टेस्ट में जो रूट 29 रन बनाकर आउट हो गए। अगर वे अपनी पारी में 48 रन और बना लेते तो वे भारत के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज हो जाते। हालांकि जो रूट के पास अभी कई और मौके हैं जिनमें वे ये कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी जो रूट के ही नाम दर्ज है। जो रूट ने 9 शतक भारत के खिलाफ जमाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 7 शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। एलिस्टर कुक भी इतनी ही सेंचुरी जड़ चुके हैं, लेकिन एलिस्टर कुक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट की रिपोर्ट।